अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा किचन। आज हमारे किचन में बनने वाला है बकरे का सिरी का सालन, जिसे बनाना बहुत इजी है और ये बड़े ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। और इसे हमने किस तरह क्लीन किया है सिरी को, इसका भी तरीका आपके साथ शेयर किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको फ़ौरन से मिले। और जो साइड में बेल बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। तो यहाँ पर बकरे की सिरी हमने लिया है। सबसे पहले हम इसे क्लीन करेंगे। इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, इसमें थोड़े से बाल वगैरह रह जाते हैं और स्मेल होती है, तो उसको दूर करने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप गेहूं का आटा इसमें डाल दिया और दो बड़े चम्मच हमने वाइट वेनेगर का इसमें डाल देना है। और अच्छी तरह से आटे को और वेनेगर को अच्छे से हम अपने सिरी पर कोट कर लेंगे, अच्छी तरह से मसल लेंगे कि हर तरफ से आटा और वेनेगर लग जाए। ये तरीका बहुत अच्छा है वॉश करने का। और इसे हमने रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए और फिर इसके बाद वॉश करेंगे। और चलिए अब मसाले की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं। इसे हमने स्लाइस में काट लेना है। और हमें चाहिए कुछ मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमने नमक लिया और 1 टुकड़ा दालचीनी का। और हमें चाहिए 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और आधा चम्मच काली मिर्च के दाने और 5 से 6 लौंग। अब इसमें जाएगा ये 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 2 गट्टी हमने लहसुन की लिया है। लहसुन इसमें ज़्यादा पड़ता है क्योंकि इसमें एक स्मेल होती है और बड़े मज़े का इसका फ्लेवर लगता है। तो हमें चाहिए 1 लेमन और ये 1 बड़ा चम्मच हमने अदरक को इस तरह बारीक लंबाई में काट लिया है और 5 से 6 हमें हरी मिर्चें चाहिए। तो यहाँ पर हम तैयार करेंगे इसे कुकर में। और हमने सिरी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और बहुत ज़रूरी है इसे सफाई से क्लीन करना। तो चलिए अब कुकर में हम इसे डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारे सिरी को हमने कुकर में डाल देना है। बहुत इजी रेसिपी है और आपने इसी तरह से ट्राई करना है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है और यहाँ पर जो प्याज थी उसे भी स्लाइस करके हमने डाल दिया और जो मसाले हमारे पास थे वो सारा हम इसमें डाल देंगे। टमाटर को भी हमने स्लाइस में कट कर लिया था, वो भी सारा इसमें चला जाएगा। और इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास भरकर पूरा पानी और इसमें हम डाल देंगे आधा कप तेल। बस ये सब रेडी हो चुका है। अब इसे हम कवर कर देंगे और चूल्हे पर चढ़ा देंगे। तकरीबन इसे हमें पकाना है 6 से 7 सीटी आने तक का मीडियम फ्लेम पर, या 20 से 25 मिनट के लिए भी इसे कुक कर लें, जब तक इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से गल जाएगा। तो जब प्रेशर हमारे कुकर का बिल्कुल निकल जाए तब हमने लीड को खोलना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं गोश्त कितना गला है। तो गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। 2 गिलास के करीब मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद के हिसाब से पानी डाल सकते हो, लेकिन सिरी का जो सालन होता है, शोरबा होता है, वो पतला होता है, यह आपने ध्यान देना है। इसे गाढ़ा नहीं बनाया जाता,
तो एक मरतबा हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर ले और इसमें अब जाएगा 2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक डाल दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम हरी मिर्चों को डाल देंगे और जो बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा है वो सारा हम डाल देंगे। अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तो अब इसे हमने कवर कर देना है और यहाँ पर चूल्हे को जो फ्लेम है बिल्कुल बारीक रखना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट हमें कुक करना है। तो लीजिए 15 से 20 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हमने एक पूरा लेमन का जूस इसमें डाल देना है, इससे बड़े मज़े का फ्लेवर आता हमारे शोरबे में। तो ये बिल्कुल रेडी है हमारा ज़बरदस्त मज़ेदार बहुत ही टेस्टी हमारी बकरे का सिरी का सालन तैयार है। बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह तैयार हुआ है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और ये बहुत ही हेल्दी होता है, जो वीक होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मुफीद है। और इसे आपने गरम गरम नान के साथ और राइस के साथ इंजॉय कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो हमेशा की तरह आपने लाइक करना है और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ इसे खूब शेयर कीजिएगा। आगे बकरा ईद है, तो बकरा ईद की कोई रेसिपी आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप नए हो अगर मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मज़े मज़े की रेसिपी आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।